हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पाइसी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एक क्लॉक बनाने वाले हैं जो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है। तो चलिए आ गए हैं हम अपने टेक्स्ट स्टडी पर, एडिटर पे। यहाँ पे मैं वीएस कोड यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए, और मैं हमेशा ही वीएस कोड यूज़ करता हूँ अपना टेक्स्ट लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है क्लॉक। क्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पे एक इमेज डाली हुई है clock.png एंड एक फाइल बनाई है index.html, script.js एंड style.css। तो इन तीनों के अंदर हम अपना अलग अलग कोड लिखने वाले हैं। HTML, सबसे पहले हम अपना HTML का कोड लिखेंगे यहाँ पे। तो HTML की फाइल मैंने अपने यहाँ पे ओपन कर ली है। और हम अपना HTML का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे टाइटल में लिखते हैं क्लॉक, फिर उसके बाद बॉडी, साथ के साथ ही हम अपनी CSS की फाइल को भी अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लिंक। लिंक करने के बाद में हमारी सीट का है style.css। के बाद हम अपने बॉडी पार्ट में आते हैं। बॉडी पार्ट में आने के बाद में हम यहाँ पे एक डिवीजन बनाते हैं, डेव है क्लॉक के नाम से। मैंने एक यहाँ पे आईडी क्रिएट कर ली है, और आईडी के अंदर मैं यहाँ पे तीन आईडी और क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मुझे आईडी लेनी थी, मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर ली है, तो आईडी होगी मेरी ये। इसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको मैं मिनट मिनट एंड देन सेकंड, इसके बाद सेव। HTML आईडी क्रिएट करने के बाद हम अपना थोड़ा सा CSS फाइल को स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी फाइल को रिसेट ले लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मार्जिन 0 एंड उसके बाद पैडिंग 0। मैंने बॉडी को बैकग्राउंड कलर दिया है ब्लैक। उसके बाद हम अपना जो मैंने अपनी HTML में अपनी आईडी बनाई थी क्लॉक, उसको कॉपी करके यहाँ पे इसमें एक इमेज डाल देता हूँ। हमने जो अपनी इमेज रखी थी clock.png, मैं यहाँ पे अपनी इमेज डाल देता हूँ clock.png। सेव एंड इसको मैं नो रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये बार बार रिपीट ना हो। सेमी कॉलम सेव को मैं हाइट, इसकी हाइट में रख लेता हूँ 40, व्यूपोर्ट HEIGHT हाइट 40 व्यूपोर्ट रखता हूँ। एंड देन उसके बाद विड्थ, विड्थ को भी मैं 40 व्यूपोर्ट रखता हूँ। सेव सेव करने के बाद एक बार लाइव सर्वर पे ओपन करके देखते हैं कि अभी कैसा दिखाई दे रहा है। इसको मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर पे ओपन किया। और अभी हमारा इमेज नहीं आया, शायद कोई एरर है, अभी मैं चेक करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने हैश के बाद अपनी आईडी का नाम नहीं दिया है, इसीलिए वो दिखाई नहीं दिया। हमारी आईडी थी क्लॉक, अब एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी इमेज आ गई, लेकिन ये यहाँ पे ब्लैक कलर में हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए बॉडी से हमें जो हमने बैकग्राउंड दिया था, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। और अभी सेव करके चेक करता हूँ। हाँ, अभी ये वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसको मार्जिन ऑटो कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए। मैंने इसका पोजीशन रिलेटिव कर दिया है, उसके बाद में मार्जिन ऑटो कर देता हूँ। मार्जिन ऑटो करने के बाद चेक करता हूँ। हाँ, अभी ये देखो सेंटर में आ गया है। और इसके बाद बैकग्राउंड साइज को मैं कर देता हूँ कवर। बैकग्राउंड साइज को कवर कर देता हूँ। हाँ, अभी ये सही दिखाई दे रहा है। इसके बाद अभी हम यहाँ
यहाँ पे जो मैंने HTML में अपनी IDs बनाई थी R, minute and second, इनको हम अपने CSS से स्टाइल करेंगे थोड़ा। यहाँ पे हमारी पहली आईडी है R कोमा, सेकंड आईडी हमारी है मिनट कोमा, देन हमारी आईडी है सेकंड सेकंड। उसके बाद हम यहाँ पे इसका पोजीशन को कर देते हैं रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल एंड बैकग्राउंड उसका रख लेते हैं ब्लैक। और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन मैं कर देता हूँ बॉटम, सेव। सेव करने के बाद अब यहाँ पे मैं अपनी आईडी लेता हूँ, के लिए मैं हाइट लेता हूँ, ट्वेंटी 5% एंड विड्थ 2%, लेफ्ट से मैं लेता हूँ उसको 40%, टॉप से इसको लेता हूँ 50%। करने वाले बाद चेक करते हैं, अभी ये थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया है, इसको टॉप से थोड़ा 40% कर लेता हूँ। फोर्टी परसेंट करने के बाद भी अभी ये नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा हमें इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया टॉप से 26% और लेफ्ट से 40% है अभी ये, लेफ्ट से थोड़ा सा और करना पड़ेगा अभी हमें ये। इसको मैंने यहाँ से लेफ्ट से 49.4% और टॉप से 30% रखा है। अब इस आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करूँगा दो बार, एक बार मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड एक बार मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब इन दोनों को मैं आईडी के नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मिनट और यहाँ पे सेकंड। सेव किया, सेव करने के बाद अब मुझे इनकी हाइट और वेट चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 30% एंड देन विड्थ कर लेता हूँ 1.5%, 1.5%। और सेकंड वाले में मैं यहाँ पे हाइट कर लेता हूँ 35% एंड विड्थ इसकी मुझे करनी पड़ेगी 1% के बाद एक बार चेक करते हैं। हाँ अभी थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, लेफ्ट और टॉप मुझे चेंज करना पड़ेगा इसका थोड़ा सा। तो सेकंड वाले को यहाँ पे मैं कर देता हूँ टॉप से 33% एंड मिनट वाला हमने कर दिया यहाँ पे 1%। के बाद सेव किया, चेक किया, अभी तीनों हैंड्स इक्वल आ चुके हैं। अभी एक बार हमें अभी इसमें जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं जिससे ये मूव होने स्टार्ट हो जाए। अब हम आ चुके हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में, हम यहाँ पे सेट इंटरवल नाम का एक फंक्शन लिखेंगे। सेट इंटरवल की मदद से ये हमारा क्लॉक रनिंग पोजीशन में आ जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, और सेट इंटरवल हम यहाँ पे इसको 1000 मिली सेकेंड के बाद मूव करेंगे। 1000 मिली सेकेंड मीन्स हर 1 सेकेंड के बाद ये रनिंग होगा, यानी कि सेट इंटरवल को हम इसलिए यूज किया जाता है कि कोई काम कंटिन्यूसली होता रहे, चलता रहे लगातार, जैसे एक के बाद एक वो रिपीट होता रहे, चलता रहे। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, डी इक्वल टू न्यू डेट, देन इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे एच टाइम इक्वल्स टू डी डॉट गेट गेट आर्स
बाद एम टाइम इक्वल्स टू डी डॉट गेट मिनट्स, एंड देन इसके बाद एस टाइम इक्वल्स टू डी डॉट गेट सेकेंड्स, उसके बाद में हम लेंगे एच रोटेशन TATION, इसको डुप्लीकेट करेंगे तीनों को। यहाँ पे एच रोटेशन की जगह हम एम करेंगे और फिर एस रोटेशन मीन्स एच एम एस, ये तीनों रोटेशन हम करने के बाद में यहाँ पे इक्वल। दोस्तों आपको बताए जो हमारे घंटे वाली सुई है 1 घंटे में 30 डिग्री वो मूव करती है, तो इसलिए हम उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 मल्टीप्लाई बाई एच टाइम प्लस एम टाइम डिवाइड बाई 2, एंड देन उसके बाद आपको बताया हमारी जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री मूव करती है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई एम टाइम, एंड सेम हमारी सेकंड वाली सुई मूव करती है, तो हम उसके लिए लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एस टाइम सेमी कॉलम। सेमी कॉलम हमें साथ के साथ लगाते चलना है। अब हम इसको अपनी स्टाइल वाली फाइल के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर डॉट स्टाइल स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म TRANSFORM, देन इक्वल्स बैक टिक्स, के बाद हम रोटेट कराना है इसको। एच रोटेशन सेम, हमने इनको डुप्लीकेट कर लिया है। यहाँ पे हम मिनट, एंड देन यहाँ पे हम सेकेंड, और ऐसे ही यहाँ पे हम एस रोटेशन और यहाँ पे एम रोटेशन। और यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे मुझे तो अभी, लेकिन इसमें कुछ एरर है इसीलिए वर्किंग नहीं हुआ, देखते हैं काफी एरर है। अभी यहाँ पे हमने अपनी CSS, सॉरी अपनी JS वाली फाइल है जो हमने HTML के साथ अटैच नहीं करी है, इसी वजह से वर्किंग नहीं है, तो मैं अपनी फाइल को अटैच कर लेता हूँ यहाँ पे SCIPT स्क्रिप्ट के बाद src इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी फाइल है script.js को मैंने सेव किया। अभी ये वर्किंग, हाँ अभी ये देखो दोस्तों चलना स्टार्ट हो गया है हमारा क्लॉक, लेकिन ये हमारे जो हैंड्स हैं ये अपने सेट अपनी जगह सेट नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा इन पे वर्क करते हैं एक बार। सबसे पहले हम अपने मिनट्स वाले सुई को सही करते हैं, हम मिनट वाले हैंड को अपने टॉप से 2% करके ट्राई करते हैं। सेव किया मैंने और नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये -1 पिक्स। हाँ अभी ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, और हमारा जो आर्ट्स वाले सुई है वो बिल्कुल सही है। सेकंड वाले सुई को हमें अभी अपना ठीक करना है, जो हमारी सेकंड वाले सुई है अभी वो -33% पे हमने रखी है, और इसको हम एक बार 30% -30% पे चेक करते हैं, लेकिन ये नहीं चला, तो इसको मतलब ये 35%। हाँ अभी ये थोड़ा सही दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा मूव होने देते हैं, देखते हैं कि नीचे आके भी सही दिखाई देता है क्या। हाँ अभी देखो दोस्तों ये बिल्कुल सही हमारा क्लॉक दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट जैसे एक क्लॉक हमें दिखाई देता है घर में, हमारे जो दीवार पे लटका हुआ होता है बिल्कुल उसी की तरीके का दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये प्रोजेक्ट आपको, और आई होप आपके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, आप अपने प्रोजेक्ट में भी इसको ऐड कर सकते हैं अगर आप एक डेवलपर हैं, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि फ्यूचर में आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो आपसे। चलिए, तो फ्रेंड्स आप देख रहे थे स्पाइसी एजुकेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ, तब तक थैंक्स, जय हिंद।